यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। को लेकर राजनीति इस वक्त चरम पर है और एक बार फिर से कांग्रेस ने अजय राय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने काशी से उतार दिया है। हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है। अजय राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और आखिरकार कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी लेकिन सारे नाम अभी नहीं किए। अजय राय को प्रधानमंत्री के सामने उतार दिया। करीब 5 लाख ज्यादा वोट से हारेंगे, 5 लाख प्लस वोट से हारेंगे, जमानत नहीं बचेगी। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार हारेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, खासतौर उत्तर प्रदेश में हम रहने वाले हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 7 साल में एक दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इसे हिंदू मुसलमान प्रभावित नहीं, सभी लोग प्रभावित हैं। व्यापारी भी प्रभावित था, आप भी प्रभावित थे, हम भी, सब लोग प्रभावित थे। तो 7 साल में दंगे नहीं हुए इससे सब में खुशी है, सभी धर्म और जाति के लोगों में खुशी है। और जो प्रदेश और देश की योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, इस नाते सब गरीब खुश है। आप विपक्ष के लोग कहते हैं विकास नहीं होता, वो किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं चश्मे का पावर बदल के तो दिखाई देने लगेगा। चलते हैं रोड पर उनको समझ में नहीं आता है कि मायावती जी ने अगर यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया, अखिलेश जी ने आगरा बनवाया, तो योगी जी ने बुंदेलखंड बनाया, पूर्वांचल बनाया, गोरखपुर लिंक मार्ग बनाया, गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। तो ये तो अनवरत काम है। तो कामों से लोग प्रभावित और विचारों से और योजनाओं से लोग प्रभावित हैं।